tune. She's just not tuned. ये हमारा गार्डन, यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं एंड जन्माष्टमी है आज और इतना अच्छा वेदर हो रहा है, बहुत तेज बारिश होने वाली है। आप देख सकते हैं कितनी तेज बादल है, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट भी हो गई है और यहाँ पर देख बहुत सारे गुलाब के फूल लगे हुए हैं। तो हम लोग यहीं से पूजा के लिए तोड़ लेते हैं। बहुत प्यारी, बहुत अच्छी हवा चल रही है अभी। ये देखो बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं। तो गाइज़ यहाँ पर अभी कान्हा जी के लिए श्रृंगार तैयार हो चुका है और भी कुछ तैयारियाँ हैं, डेकोरेशन है, वो बाकी है, वो भी होगा। और यहाँ पर कान्हा जी का श्रृंगार चल रहा है। और गाइज़ मैं आपको बता दूँ, ये अभी जो श्रृंगार हो रहा है वो मॉर्निंग का हो रहा है। अभी जब रात में 12 बजेगा तब हम अभिषेक करेंगे, फिर से दोबारा से नया श्रृंगार करेंगे। तो अभी मॉर्निंग का श्रृंगार हो रहा है उनका, उसके बाद रात में फिर से होगा अभिषेक के बाद। तो गाइज जब तक श्रृंगार हो रहा है कान्हा जी का, उस हम चलते हैं प्रसाद की तैयारी कर लेते हैं। और गाइज मैं आपको दिखाती हूँ उनके श्रृंगार का सामान, जो कि अभी रात में भी उनका श्रृंगार होगा। तो इसमें मुकुट है, बांसुरी है, हार है, उनकी ड्रेसेस हैं और टीका वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब चलते हैं किचन में। जन्माष्टमी में कान्हा जी का भोग पंजीरी से लगता है एंड पंचामृत और मेवा वगैरह बनती है। तो मैं अभी पंजीरी भून लेती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो भून के रख देंगे अभी शाम के लिए। अभी हमारी पंजीरी भून रही है, जब तक पंजीरी का कलर गुलाबी ना हो जाए तब तक उसको भूनते रहना चाहिए, नहीं तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता है गाइस। तो अभी ये हम इसको भूनेंगे थोड़ी देर और। अब आप देख सकते हैं ये ब्राउननेस आ गई है इसमें, तो ये पंजीरी हमारी भून चुकी है। तो गाइस यहाँ पर मेरी कॉफ़ी रेडी हो चुकी है और मैं भी कॉफ़ी पीऊँगी, उसके बाद दूसरे काम करेंगे। तो गाइज अब हमारे कान्हा जी तैयार हो चुके हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कितने प्यारे लग रहे हैं तैयार होके। तो दोनों कान्हा जी बैठे हुए हैं बहुत अच्छे से और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारा श्रृंगार हुआ है उनका। जो ये श्रृंगार ही मेरी सिस्टर ने किया है, बहुत ही अच्छा श्रृंगार करती है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारे कान्हा जी कैसे लगे, उनका श्रृंगार कैसा लगा। तो ये गाइज ये भी मॉर्निंग का श्रृंगार है, अभी रात में जब 12 बजेंगे उसके बाद हम फिर से श्रृंगार करेंगे अभिषेक के बाद। तो गाइज यहाँ पर मैंने पंचामृत भी रेडी कर लिया है। तो जो पंचामृत है इसमें सिर्फ शहद और गंगा जल डालना बाकी है, तो पूजा के टाइम ही डालेंगे। और बाकी का जो भी भोग है वो रेडी हो चुका है। और जो पंचामृत है ना वो तो मेरा फेवरेट है, आपको पसंद है या नहीं आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड गाइज और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो गाइज पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और मैं भी रेडी हो गई हूँ। मैंने अभी आज ये सूट डाला है और हम लोग अभी जा रहे हैं पूजा करने के लिए। सो गाइज मैंने जो अभी ड्रेसअप किया है सिंपल सा है, एक सरारा सूट है। तो क्योंकि पूजा है इतनी बड़ी तो मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो मैंने ये सूट डाल लिया, काफ़ी कंफर्ट भी है एंड तैयार भी हो गए हैं। तो मैं आपको इसका पूरा लुक दिखाती हूँ अभी। तो गाइज रात के 12 बज गए हैं, पूजा स्टार्ट करते हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय।
रात के 12 बज गए हैं। अब कान्हा जी का जन्म हुआ है और उनका अभिषेक हो रहा है पंचामृत से। तो गाइस इस बार हमने युवान को कान्हा जी नहीं बनाया है बिकॉज इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। ये युवान की लास्ट ईयर की क्लिप है जब वो कान्हा जी बना था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो कान्हा जी का अभिषेक हो चुका है और उन्होंने अपने नए नए कपड़े भी पहन लिए हैं, उनका श्रृंगार भी हो गया है। इसके बाद हम लोग आरती करेंगे, भोग लगाएंगे। तो गाइस अगर आपको ये हमारा भी छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले।